الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث وكذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان رواه البخاري हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिकीन की तीन अलामतें नंबर एक जब बात करे तो झूठ बोले नंबर दो जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे नंबर तीन जब उसके पास कोई अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करे। मोहतरम नाज़रीन किराम इंसान की शख्सियत को समाज में कुछ चीजें मोतबर बनाती हैं और वो है एतमाद यकीन भरोसा। अगर इंसान को एतमाद यकीन और भरोसा समाज में कायम करना है तो उसे हमेशा सच का साथ देना होगा, हमेशा उसे सच बोलना होगा, वादा को पूरा करना होगा और उसे अमानत की हिफाजत करनी होगी। इसी तरह एक दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक मजीद इजाफा किया है जो मुनाफिकीन की अलामतें बतलाई गई हैं उसमें जो इजाफा है वह ऐसा खास और फजर है जब झगड़ा हो तो शख्स हमेशा नाहक के साथ खड़ा हो। यानी समाज में ये भी एक चीज है, एक अलामत ये भी है कि जब कोई मसला दरपेश हो तो हक के साथ खड़ा है या नाहक के साथ खड़ा है, ये समाज के अंदर एक पहचान बताती है। समाज एक उस शख्स को कबूल करता है जो हक के साथ खड़ा होता है, उस शख्स को मुतबर समझता है जो हक के साथ खड़ा होता है, और जो नाहक के साथ खड़ा हो उस शख्स भी समाज में गैर मुतबर हो जाता है। ये चार खसलतें मुनाफिकीन की बतलाई गई हैं जो मुनाफिकीन के अंदर पाई जाती थी। अगर वही ये खसलतें जिनके अंदर पाई जाएंगी वो मुनाफिकीन की खसलतें होगी, यानी वो मुनाफिकीन जैसा वो करता होगा। नंबर एक जब बात करे तो झूठ बोले, जब इंसान कोई भी बात करे कोई भी मसला हो समाज में बात करे तो हमेशा झूठ बोले, अपना हमेशा जो है झूठ से काम ले तो उस शख्स का भी समाज से एतबार उठ जाता है, वो शख्स समाज में गैर मुतबर हो जाता है, उस शख्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, उस शख्स को कोई समाज में दर्जा नहीं देता। इसी तरह दूसरी चीज जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, ये वादा एक आम इंसानों से वादा हो सकता है, ये वादा अल्लाह से किया हुआ वादा हो सकता है। इंसान समाज में जब वादा करता है इंसानों से भी करता है और मुसलमानों ने अल्लाह से भी वादा कर रखा है, जो इंसान समाज में इंसानों से वादा करके उसकी मुखालिफत करता है तो समाज में अपना एतबार तो खो ही देता है, लेकिन जो शख्स अल्लाह से वादा कर चुका है यानी कलमे शहादत का इकरार करके जिस शख्स ने अपने आप को अल्लाह के आगे निशावर कर दिया हो, अगर वो इस वादे की मुखालिफत करता हो इस वादे की खिलाफ वर्जी करता हो तो उसका अंजाम क्या होगा वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो शख्स अल्लाह की निगाह में भी गिरा होगा और समाज की निगाह में भी गिर जाएगा। इसी तरह जो तीसरी खसलत जो बतलाई गई है कि जब अमानत उसके पास रखी जाए तो खयानत करे, वह अमानत माल दौलत की हो सकती है, वह अमानत राज की हो सकती है। आमतौर पर बहुत सारे लोग जो राज जो है किसी को बताते हैं और वह अमानत के तौर पर उनके पास छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो उस राज की जो अमानत होती है उसको ये हिफाजत कर पाते हैं। बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इस अमानत की खयानत करते नजर आते हैं। तो ऐसा शख्स जिसके अंदर ये अमल पाया जाए वो भी मुनाफिकीन की खसलतों में से पाया जाएगा, यानी वो भी मुनाफिकीन की तरह होगा। चौथी चीज जो दूसरी हदीस में बताई गई है कि इजा खास अमन फजर है, जब झगड़ा हो लड़ाई हो या कोई दूसरा मसाइल दरपेश हो तो नाहक के साथ खड़ा हो,
इसमें भी दो चीजें हो सकती है, एक शख्स एक तो कोई शख्स जो झूठी जमीन का दावा करते हैं या किसी की जमीन हड़प ले और दावा करे कि ये मेरी जमीन है, या आप झूठे गवाह लाके पेश कर दें, झूठी कस्में खाए, यानी नाहक के नाहक का साथ हो, या कोई खानदानी मसला हो, या मेरा भाई अगर किसी से झगड़ा करे, मेरा भाई अगर नाहक है तो मैं अपने भाई के साथ सिर्फ इस वजह से खड़ा हूँ कि मेरा भाई का झगड़ा है, इस वजह से नहीं कि मेरा भाई जो है नाहक है मैं उसके खिलाफ हो जाऊं। दूसरी चीज जो है कि कोई भी अमानत जो है किसी दूसरे के पास रखी जाए और वो कसम खाए कि नहीं ये अमानत मेरी थी, यानी उसका भी नाहक कब्जा जमा ले। ये शख्स ये अलामत भी मुसलमानों के अंदर बहुत ज्यादा पाई जा रही है, जमीन का गसब करना, लड़ाई झगड़ा करना, लड़ाई झगड़े में अपने खानदान वालों को अगर जो नाहक पर हो उनका साथ देना, ये अलामतें बहुत ज्यादा पाई जा रही है। तो हमें चाहिए कि हम इन अलामतों को अच्छी तरह जानें और इन पर गौर करें, अगर और फिर हम अपने जमीन का ज्यादा लें, अपने नफ्स का ज्यादा लें, आया ये अलामतें हमारे अंदर तो नहीं है, अगर है तो हम इनको दूर करने की कोशिश करें, वरना मुनाफिकीन का जो अंजाम है वो सबसे बदतरीन ठिकाना जहन्नम में, सबसे निचले हिस्से में मुनाफिकीन को ही रखा जाएगा जहन्नम में। तो हम इस बला से बचें और समाज को भी इस बुरी खसलतों से वाकिफ कराएं और उन्हें भी जिनके अंदर ये बुरी खसलतें पाई जा रही हों उन्हें दूर करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम बुरी खसलतों से बचाए। आमीन। वाफर दावाना अलहमदुल्लाह।